खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अस्पताल में आए मरीजों से बचे हुए इंजेक्शनों से 30,000 में बेच देते थे। चारों आरोपी प्राइवेट अस्पताल में स्टाफ नर्स का काम करते थे। आरोपियों से 16 इंजेक्शन भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस इनको रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। ये कल हमने हमारी CIA बोर्ड और CIA 56 मिल के कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे टोटल 10 इंजेक्शन हमारे को बरामद हुए हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, ये फार्मेसिस्ट हैं, हॉस्पिटल में ही काम करते थे। हॉस्पिटल में जो बंदा डिस्चार्ज हो जाता है उनका जो भी इंजेक्शन है, एक बच गया, दो बच गए, ये इनको अपने पास रख लेते थे। और प्रिजन को जल्दी रहती अपने पेशेंट ले जाने की, वो अपने पेशेंट ले उनसे बचाव बचा के इन्होंने ऐसे ही इकट्ठे करे। एक आदमी जो जिससे 4 बरामद करे, वो हॉस्पिटल में, वो भी फार्मेसिस्ट है, उसने ये कहा मेरे परिजनों को ये इंजेक्शन चाहिए, उसने 4 इंजेक्शन वहाँ से ले लिए, लेकिन आगे ब्लैक करने के लिए दूसरे को बेच दिया।